Hi everyone, welcome to Study IAS. Very good evening to all of you guys. Good evening to everyone. मैं अंकिता जिंदल और आज की क्लास में हम लोग बातें कर रहे हैं रिगार्डिंग द एनसीईआरटी फॉर द यूपीएससी, जहाँ पे इलेवेंथ क्लास के एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर रहे हैं. एंड टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आज जो अपनी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वहाँ पे हम कुछ एनवायरमेंट का सेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि जो चैप्टर्स हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड द सोइल्स वगैरह वाला सेक्शन, तो थोड़ा बहुत ये अपना एनवायरमेंट के सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू परफेक्टली गाइस. ऑडिबल विजिबल सबको प्रॉपर है. गिव मी अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल दैट इज अ स्टडी आईएएस. स्टार्ट करते हैं सेशन को. गुड इवनिंग एवरीवन. अनअकैडमी में यूपीएससी रिजल्ट 20 में काफ़ी सारे रैंकर्स मिले हैं, जैसे एयर 2, 9, 10, 13, 14, 16 एंड 20, एंड टॉप 50 में ये सारे रैंकर्स हमें मिले हैं. नेक्स्ट विल बी यू गाइज, नेक्स्ट आपका नंबर जो है वो आने वाला है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. वट यू नीड टू क्रैक द यूपीएससी सीएससी एग्जाम, वी नीड एन अ गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर, वी नीड कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज फॉर एग्जामिन अवर सेल्स, हाई क्वालिटी रीडिंग मटीरियल हमें चाहिए होता है, डाउट क्लियरिंग आंसर राइटिंग एंड मैनी मच थिंग. और जैसे ही आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये सारी चीज़ आपको जो है वो अवेलेबल कराई जाती है. 9 month कॉम्बो चल रहा है, जहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स 22 आप लोग क्रैक कर सकते हो. 28% आपको ऑप्शनल के साथ ऑफ मिलता है, 10% यूजिंग अवर रेफरल कोड आपको ऑफ मिलता है, दैट इज़ अ वन एंड ओनली स्टडी आईएएस. एंड बी रिमेंबर, ये ऑफर जो है 31st of October तक वैलिड रहेगा. 1 subscription टू क्रैक होल वेयर द 25% विद ऑप्शनल एंड 10% विद अवर रेफरल कोड यू विल बी गॉट एक्स्ट्रा ऑफ. इसके साथ ये जो आपको आइकॉनिक या प्लस आप दोनों ले सकते हो. वेलकम आयुष, गुड इवनिंग विशाल, संतोष गुड इवनिंग. जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं सब अपनी प्रेजेंट शो करें. अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो मिलता है, जहाँ पे ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज वर्थ 45,000 की आपको मिलती है. एंड इसके साथ 3 month का फेस्टिव कॉम्बो भी है गाइस, 10% ऑप्शनल के साथ और 10% रेफरल कोड के साथ आप लोगों को ऑफ जो है वो यहाँ पे मिल रहा है. ऑप्शनल का कार्निवल 21st of October को हुआ, ठीक है. इसी तरीके से कार्निवल होते रहते हैं, तो बी ज्वाइन विद अन अकेडमी. और 20 अक्टूबर से कुछ नए बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, सो यू मस्ट बी इनरोल विद ऑल दैट, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन की. यूपीएससी मेगा कॉम्बैट अपना 24 अक्टूबर को होगा, जहाँ पे 10 करोड़ प्लस की स्कॉलरशिप में से आप भी चूज कर सकते हो, जीत सकते हैं. एंड 60 मिनट में 56 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने होंगे. बी रेडी विद द स्टडी आईएएस रेफरल कोड एंड आपको फ्री एनरोलमेंट इसके साथ मिल जाएगा. हाय युष्नेंदु, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. स्टार्ट करते हैं सेशन को. और सबसे पहला जो चीज़ आज हम करने वाले हैं, दैट इज़ अ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन से मतलब क्या होता है? वेजिटेशन का मतलब होता है कि जैसे कि ग्रोथ के मतलब किस किस तरीके की प्लांट्स आपको हर जगह जो है वो देखने को मिलते हैं, वो आप वेजिटेशन का नाम उसको रेफर कर सकते हो. नेचुरल से मतलब है कि प्राकृतिक रूप से किस तरीके के प्लांट कौन सी जगह पे जो है वो हमें मिल रहे हैं, कौन सी तरीके की वेजिटेशन आपको कहाँ पे मिलती है, ठीक है. क्योंकि हमने देखा था ड्यू टू द क्लाइमेट अलग अलग सेक्शन अलग अलग एरिया जो है वो वेरी करते हैं, और क्लाइमेट एक कारण है जिसकी वजह से उसकी जगह की क्लाइमेट उसकी जगह की जो वेजिटेशन है वो भी वेरी करती है. अगर आप हॉट डेजर्ट की बात करते हो, अगर मैं राजस्थान की बात करती हूँ, तो यू विल बी सी द कैक्टस मोर देयर, है ना, वहाँ पे उसको रेगिस्तान का गुलाब भी बोला जाता है. इसके अलावा अगर आप कोल्ड डेजर्ट की बात करते हो, तो ऐसी कुछ ना कुछ आपको वेजिटेशन मिलेगी जिसको पानी की कम ज़रूरत होगी. अगर आप केरला के बॉर्डर पे बात करते हैं, तो आपको ऐसी वेजिटेशन मिलेगी जो कि काफ़ी एवरग्रीन हरे भरे पेड़ पौधे होंगे एंड जिनको पानी की अच्छी खासी ज़रूरत होगी और जिनकी पूरी भी हो जाती है. यू गॉट इट. हाय रिद्धि, अंकित गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ट्रीमा, आई एम वेरी गुड. आप सब कैसे हो और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है. तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, वेजिटेशन होते हैं. डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस आपको ये पता चल गया ना कि किस तरीके की वेजिटेशन कहाँ पे मिलती है, तो आप उस तरीके की क्रॉप स्पीसीज भी डिफाइन कर पाओगे. तुक्का भी एक तरीके से पेपर में जो है वो लग जाता है इस टाइप पे. फाइन, चलिए. तो वेजिटेशन के बिहाफ पे हम प्रॉपरली
कुछ फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं, फॉरेस्ट की टाइप्स को डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक हम सबसे पहले लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब होता है कि वो हमेशा हरे भरे रहेंगे। अगर पेड़ हमेशा हरे भरे हैं तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं भाई वहाँ पे वाटर जो है वो अच्छा खासा आता होगा और फोटोसिंथेसिस के लिए सन रेज भी प्रॉपर वे में मिल रही होंगी। तो वी कैन एग्जामिन द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इक्वेटर, है ना। हम कोई एक एरिया ऐसा एग्जामिन कर सकते हैं भाई इक्वेटर से कैंसर के बीच में या इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे आपको ये मिलेंगे, ठीक है। सेमी एवरग्रीन की अगर आप बात करते हो तो बारिश भी आ रही है, रेज भी आ रही है, सारी चीज़ ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, हल्का फुल्का ऊपर चल जाएगा। अब पता है क्यों मैं इसको बता रही हूँ, क्यों किस रेंज में मिलेगा? 2018 का शायद क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, और उसमें ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मतलब ऐसा कुछ था कि इन कौन सी जगह में से एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे नेशनल पार्क का नाम दिया गया था। आपको अगर नेशनल पार्क की लोकेशन पता है, जैसे एक था वेस्ट बंगाल की लोकेशन, एक थी अरुणाचल प्रदेश की, एक थी आपकी हिमाचल प्रदेश की, और एक और थी पता नहीं याद नहीं है, तो आप एग्जैक्टली बता सकोगे ना कि भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, तो वेस्ट बंगाल इज़ द राइट आंसर, है ना। तो उस वे में आप उसको जो है वो कर सकते हो, क्लियर है। इसके बाद मिलता है डेसीडुअस फॉरेस्ट। डेसीडुअस से मतलब क्या होता है कि सूखे पेड़, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं आता होगा, सूखा रहता होगा। अगर डेसीडुअस है सो वी कैन एग्जामिन कि कहीं ना कहीं सी एरिया से ये फार है, फार टू द सी डिस्टेंस बनाता है, और दूसरी बात वहाँ पे सन रेज जो है वो प्रॉपर वे में आ रही है, तो वी कैन इमेजिन डेसीडुअस आप कोल्ड एरिया के लिए भी एग्जामिन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पानी कम होता है एल्टीट्यूड पे, तो उस वजह से भी वो एरिया डेसीडुअस या शुष्क वातावरण उसका बन जाता है। इज दैट क्लियर विद एवरीवन। इसके साथ थॉर्न फॉरेस्ट ये आगे कर लेंगे, माउंटेन माउंटेन वाले सीधी बात है, लिटोरल और स्वैम्प, यानी कि वो फॉरेस्ट जो पानी में होते हों, जैसे मैंग्रोव का एग्जाम्पल में हम लोग बातें करेंगे, फाइन। चलिए तो फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड वी हैव ना डेजर्टिक स्क्रब अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। तो फॉरेस्ट में क्या क्या डिवाइड कर रहे हो? रेन फॉरेस्ट, मतलब भाई अच्छी खासी बारिश हो रही होगी, कारण नियर टू सी हो सकता है ना, और ट्रॉपिकल रीजन में हो सकता है, नियर टू इक्वेटर हो सकता है, रेन फॉरेस्ट वहीं आपको जो है वो मिलेंगे। डेसीडुअस हैं सो फार फ्रॉम इक्वेटर हो सकता है, फार फ्रॉम सी हो सकता है, इन द ओवर द एल्टीट्यूड रीजन हो सकता है, जैसे लद्दाख वगैरह के रीजन में मिल जाए, या फिर मध्य प्रदेश में भी आपको डेसीडुअस मिल जाएंगे, वो वाली चीज़ है। एवरग्रीन जहाँ पानी अच्छा खासा आता हो, लाइक द चेरापूंजी, ये टेम्पीरेट आ गया ना, तो टेम्पीरेट का आप समझ लेना आप ट्रॉपिकल से ऊपर की तरफ जा रहे हो। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, लेट मी शेयर यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आया था कि जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होते हैं या फिर वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि वो दिन रात में, इन द नाइट, वो अपने नाइट में अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं टू सेव द वाटर फ्रॉम द इवोपोरेशन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। बट दैट वॉज अ रोंग आंसर, क्योंकि वो अपने स्टोमेटा को क्लोज ज़रूर करते हैं बट ड्यूरिंग द डे टाइम। क्यों करते हैं, वाई, वट वॉज द रीज़न, लेट मी शेयर यू। देखिए, दिस इज एन इक्वेटर, दिस इज एन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड हेयर यू कैन सी द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी और फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे स्लैंट जा रही हैं, और एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड दोनों की बढ़ने की वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी खासी रेज नहीं जाती, रेज नहीं जा रही है तो प्रॉपरली इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, राइट। तो पेड़ों को बहुत ही लिमिटेड पानी मिलता है, दे हैव अ वेरी लिमिटेड वाटर, और ऊपर से जो भी रेज आ रही है, वट एवर द सन रेज आर कमिंग ओवर देयर, दे विल ट्रांसपिरेट द वाटर फ्रॉम द ट्रीज, है ना, वो पानी को पी जाएंगे ट्रीज में से, तो फिर ट्रीज क्या करेगा। इसीलिए डे टाइम पे जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होते हैं वो डे टाइम पे अपनी स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, सो दैट कि पानी वहाँ से नहीं जाए, ठीक है। वेरी गुड अंकित, हाँ जी। एंड
वन मोर थिंग ऑफ देयर कि जो मेडिटेरेनियन के जो फॉरेस्ट आपको मिलेंगे उनको अगर आप ओपन करते हो, मतलब लीव को ऐसे छीलते हो, तो उसमें से वैक्स निकलते हैं. वैक्स का मतलब है वैक्सी लीव्स होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है. बिकॉज टू सेव द वॉटर, ठीक है, टू सेव द वॉटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसलिए वो जो एरिया है, वो जो मतलब मेडिटेरेनियन के फॉरेस्ट हैं, उनमें एक तो वैक्सी लीव्स होती है एंड दे विल क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम. इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया सबको? तो अभी आप इस चीज़ से ना एक ये भी इमेजिन कर सकते हो कि जो पेड़ जिनकी वैक्सी लीव्स होती है, कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह पे मिलेंगी जहाँ पे पानी की पॉसिटी होगी, पानी की कमी होगी. एवरीवन गॉट इट गाइज? एवरीवन, ठीक है. कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मतलब होता है जो थोड़ा सा कोन लाइक है, शंकु लाइक शेप बनाते हो, लाइक इन दिस वे आप वो शेप बनाते हो, उसको आप कॉनिफेरस फॉरेस्ट का नाम देते हैं. देन आते हैं ग्रासलैंड. ग्रासलैंड एक ट्रॉपिकल है, तो सीधी बात है भाई, ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर. टेम्परेट की बात करते हो तो इट विल बी मतलब फाउंड बियॉन्ड द ट्रॉपिकल रीजन, आपको ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी, यानी कि टेम्परेट वाले रीजन में. खास बात, टेम्परेट वाले रीजन में जो ग्रासेस हैं वो बड़ी बड़ी हाइट की आपको मिल जाएंगी, ठीक है. और पोल की तरफ, जितना पोल की तरफ जाओगे उनकी हाइट कम होती जाएगी, और ट्रीज तो आपको मिलेंगे ही नहीं क्योंकि उधर टुंड्रा रीजन आ जाएगा, तो आप उसको ट्री लेस बोलते हैं. वहां पे थोड़ी बहुत श्रब आपको मिलते हैं, झाड़ी आपको मिलते हैं, ट्रीज वगैरह नहीं मिलते. देन वी विल फाउंड द डेजर्टिक स्क्रब. डेजर्टिक स्क्रब, अच्छा वन मोर थिंग गाइज. हाय धर्मेश, मेगा वेलकम टू द सेशन. आई थिंक आप लोग पहली बार हैं, वेलकम टू द सेशन. वेलकम राजेश, गुड इवनिंग. चलिए अब एक चीज़ मुझे बताओ, जो ग्रासेस होती हैं दे आर हेल्पिंग और दे आर रिस्ट्रिक्टिंग? मतलब फॉरेस्ट में ग्रासेस फायर लगने के लिए हेल्प करती हैं या फिर फायर ना लगे उस चीज़ के लिए रोकती हैं? काम क्या होता है ग्रासेस का? जल्दी आग लगाएंगी फॉरेस्ट में या फिर आग को लगने से बचाएंगी? व्हाट इज देयर वर्क एक्चुअली? इसके बाद एक आता है डेजर्टिक स्क्रब. एक ट्रॉपिकल हो गया और टुंड्रा वाला, बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट की यहाँ पे बात जो है वो हो रही है. अब मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको बहुत ही शॉर्ट उसमें जल्दी जल्दी से ये चीज़ें करा देती हूँ. ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं वो सी लेवल से आपको एलिवेशन पे मिलेंगे. कम से कम वहाँ पे 2000 mm की जो रेनफॉल है वहाँ पे वो ज़रूर अक्कर हो रही होगी. एंड ड्रायर टाइप की फॉरेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे. हेल्पिंग इन, अच्छा कैच करती हैं फायर को, ओके. एनी अदर एवरग्रीन फॉरेस्ट मेनली कहाँ पे मिल रहे हैं? यू विल बी फाउंड मोर ऑन द वेस्टर्न घाट या फिर आपको नॉर्थ ईस्टर्न की जो हिल्स हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ द रेन कमिंग इन मच क्वांटिटी देयर. मतलब चेरापूंजी की साइड हो गई या फिर पटकाई बूम हिल्स की बात आप कर रहे हो या आप नामचा बारवा की तरफ आप बात कर रहे हो, माउंटेन हो गए ना, तो दे विल बी अट्रैक्ट द विंड्स, दैट्स वाई वहाँ पे काफ़ी अच्छी रेनफॉल आपको मिलेगी. वन थिंग मस्ट बी रिमेम्बर, कितनी प्रेसिपिटेशन होती है जहाँ पे आपको, देखो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया है कि जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है. क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी ने ये पूछा है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, या नेशनल पार्क का नाम दे दिया या किसी लोकेशन का नाम दे दिया या किसी कुछ और बता दिया, ठीक है. अभी तक ये नहीं बताया है कि किसी एरिया पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के लिए क्राइटेरिया क्या है. क्राइटेरिया माने मतलब वहां पे कितनी प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए, लाइक ऑफ द 200 cm और मोर देन इट, वो वाली चीज. रेनफॉल का पैटर्न क्या होना चाहिए, हो सकता है कुछ ना कुछ क्राइटेरिया के बारे में भी पूछ लिया जाए. गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग रानी. यस यस यस, ठीक है. तो वो थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि उसका क्राइटेरिया भी वो पूछ सकते हैं. अब एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न घाट में, अंडमान निकोबार में, और आपको हिल नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको मिल जाएंगे. वो एरिया जहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन 200 या 200 से ऊपर होती हो,
ठीक है, टेम्परेचर कम से कम वहाँ का 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इतना तो बनना चाहिए। और स्पीसीज कौन सी मिली चाहिए, जैसे चंदन की लकड़ी, रोज़वुड जो होती है चंदन की लकड़ी, वो आपको एवरग्रीन में मिलती है। महोगनी, इबोनी, ये सारे आप लोगों को ट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो मेन जो स्पीसीज मिलती है वो वाइट सीडार, हुलॉक और कई केल की तरीके की स्पीसीज आपको मिलती है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद करनी होगी। यस यस रिधि, दैट्स वाई। गुड इवनिंग चिराग। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेसीडुअस फॉरेस्ट, ज़्यादा वाइड स्प्रेड है ये, मानसून फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तब इनमें अच्छी खासी आपको हरे भरे दिखते हैं। इसके दूसरे टाइम पे जब बारिश नहीं होती है, व्हेन देयर इज अ नो मानसून एरिया टाइम, तो वो डेसीडुअस करते हैं, अपनी लीव्स को श्रेड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो रेनफॉल का पैटर्न है वो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक आपको मिलेगा। स्पेशल कंडीशन क्या है इस एरिया की, वो नमी वाले क्षेत्र होते हैं, कि वहाँ पे बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो वाले होते हैं, ठीक है। मेनली हिमालय की फूटिल्स यानी कि शिवालिक वाले रीजन में, नियर टू द गंगा रिवर और द ये यमुना रिवर वगैरह के एरिया में, वो वाली जगह। ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट है, मान लो ये वाला वेस्टर्न घाट है, इसके इस तरफ ईस्टर्न घाट की तरफ बीच का जो सेक्शन नहीं हो गया, यानी कि हम मान के चल सकते हैं शेषचलम वाला एरिया, हम मान के चल सकते हैं नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी बायोस रिजर्व का जो एरिया तमिलनाडु में, नीलगिरी हिल्स वो वाला सारा सेक्शन में आपको डेसीडुअस मिल जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन से पेड़ आपको मिलते हैं, जैसे टीक का पेड़ हो गया, साल का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया। शीशम का तो आपने इधर भी देखा होगा नॉर्थ इंडिया में, हुर्रा, महुआ, अमला, सेमल, कुसुम, ये सारे पेड़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। एवरीवन क्लियर है क्या? एवरीवन गिव मी थम्स अप गाइस, डू फास्ट। देन आफ्टर ए टॉकिंग अबाउट द डेसीडुअस, तो रेनी ग्रोइंग सीजन होते हैं, मतलब मानसून के टाइम पे आपको बारिश मिलती है, अदर टाइम पे नहीं मिलती है। थॉर्न फॉरेस्ट की बात करो तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, यानी कि थोड़े जंगल टाइप से फॉरेस्ट मिलते हैं, और ये पेड़ नहीं होते, मेनली यहाँ पे ग्रासेस और श्रब आपको मिलती हैं, जिसको हिंदी में हम लोग झाड़ियाँ जैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ना तो ट्रीज होते हैं ना हरे भरे, यहाँ पे ग्रासेस होती है। अब श्रब आपको मेनली कहाँ पे मिलती है, यू विल बी फाउंड मोर इन द हरियाणा, मोर इन द पंजाब, मोर इन द राजस्थान साइड, क्योंकि रेज आती है थोड़ा स्लैंट हो जाती है और रिवर्स का पैटर्न कम है, तो इसलिए रेनफॉल भी बहुत अच्छी नहीं होती है, इस वजह से यू विल बी फाउंड द थॉर्न फॉरेस्ट। हाँ, थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे, एंड बी रिमेंबर जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है। यहाँ पे जो प्लांट्स ये होते हैं वो लीफलेस होते हैं, लीफ नहीं होती। अच्छा एक चीज़ बताओ ड्रीमर एंड चिराग, ड्रीमर और अंकित, आप दोनों मुझे बताइए कि जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं इनमें लीफ नहीं होती, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। हाय राजकुमार, गुड इवनिंग। व्हाट वाज द रीज़न, क्यों नहीं होती? इम्पॉर्टेंट स्पीसीज जैसे बबूल का पेड़, बेर का पेड़, वाइल्ड डेट पाम जो आता है, खेर या नीम का पेड़ होता है, ये तरीके के फॉरेस्ट आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एमपी वाली साइड में आप लोगों को अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन इनके लिए वैरी करती है, एंड इनकी जो रूट्स होती हैं वो लंबी होती है और बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर ये जा रहे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, डीप इन टू द सॉइल फिक्स होते हैं ये टू गेट द मॉइस्चर, ताकि इनको इस सॉइल के अंदर ये ज़्यादा होते हैं, इनकी रूट्स बड़ी होती है ताकि इनको पानी मिल जाए किसी भी तरीके से करके, टू गेट रिटेन मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, टू कंजर्व द वाटर एंड ट्रांसपिरेशन मिनिमाइज हो, इसीलिए बहुत ही स्मॉल होते हैं, राइट। थोनी एरिया में मॉडिफाइड इनटू स्माइंस एंड स्मॉल टू मिनिमाइज द ट्रांसपिरेशन, इन लाइंस को थोड़ा सा याद रखना। यस श्योर रिधि, अरे पूछिए मत, बता दीजिए इतनी देर में। तो इसके अलावा फ्लोरा इन फोना में जैसे बुशेस, अकायस, पाम, ये सारे पेड़ आपको मिलते हैं, और इसी जगह पे आपको एनिमल्स कौन से मिलेंगे, जैसे कि रैट, माइस, रैबिट, फोक्स, टाइगर, लोइन। क्यों मिलते हैं टाइगर लोइन, बिकॉज दे नीड अ वाइड स्पेस टू बी रन, है ना,
टाइगर लॉयन क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि उनको खुली जगह चाहिए होती है भागने के लिए, और जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं उनमें से वो स्पीड उनकी जो है वो बन जाती है, ठीक है, क्योंकि पानी कम है तो उनकी स्लीपरी नहीं, स्लीप नहीं हो पाते, तो वो दे विल कैन रन फास्ट, हॉर्स हो गए, कैमल्स वगैरह हो गए, तो सूखी जगह उनको जनरली चाहिए होती है। नॉक्टर्नल होते हैं नेचर में। व्हाट आर द नॉक्टर्नल, बताइए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वी आर गोइंग टू अकॉर्डिंग टू मीन्स। सुनिए, तो इनमें लीव्स इसलिए नहीं होती है बिकॉज जो लीव्स होती हैं उसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है। लीव ना खाना बनाती है ना पेड़ के लिए, तो लीव को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, और अगर पानी नहीं है तो लीव्स कहाँ से आएंगी। तो जिस एरिया में पानी की कमी है, वेयर हैज़ अ पॉसिटी ऑफ द वॉटर, तो वहाँ पर आप लोगों को लीव्स इतनी खास नहीं मिलेंगी, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे। ज़्यादा हाइट नहीं होती, ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाते, इनके लीवलेस होते हैं, हल्की फुल्की लीव्स मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती। रूट ज़्यादा होती है, मॉर्टगेज रिटेन टू द सॉयल टू गेट द मॉइस्चर, ठीक है। एंड टाइगर लोइन, कैमल्स जैसे एनिमल्स आपको इस जगह पर मिलते हैं। नॉक्टर्नल जैसे एनिमल्स भी आप लोगों को इसमें मिलते हैं। हाई योगेश, यस टीमा, यस। लोकेशन, यू आर ऑल्सो नॉक्टर्नल, ग्रेट। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। सीधी सी बात है, माउंटेन पे मिलने वाले फॉरेस्ट आप लोगों को माउंटेन मिलते हैं। फर्स्ट थिंग यू टेल मी गाइस, अगर फॉरेस्ट माउंटेन है, अगर पहाड़ों पे पेड़ उगे हुए हैं, तो वो वेदरिंग तो हो रही है, बट वट काइंड ऑफ वेदरिंग आर अकरिंग देयर, वट काइंड ऑफ वेदरिंग। अगर हमने देखे है ना, जैसे चलिए आप लोग मसूरी जाएंगे तब देख लेना, पहाड़ों पे पेड़ उगे हुए होते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ वेदरिंग अकरिंग देयर। चलिए, माउंटेनियस एरिया में क्योंकि यू नो कि टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, ठंड का इलाका होता है और एल्टीट्यूड बढ़ जाता है, तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है। माउंटेनियस कैन बी टू टाइप, एक नॉर्दर्न माउंटेनियस और एक सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में आपको ये मिल जाएंगे। एंड ये आपको ट्रॉपिकल से टुंड्रा तक देखने को मिलते हैं, इक्वेटर की तरफ नहीं मिलते, क्योंकि इक्वेटर की तरफ आपको पहाड़ी नहीं मिलते। जितना आप पोल की तरफ जाएंगे, हाँ पोलर रीजन की तरफ, उतने ज़्यादा आपको पहाड़ जो है वो देखने को मिलेंगे। तो दे आर फाउंडिंग बिटवीन द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन में आपको मिल जाएंगे। जनरली ये भी डेसीडुअस होते हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालय वगैरह मिलते हैं, और नॉर्थ वेस्ट बंगाल की हिली एरिया में मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह आपको इतने एरिया में मिल जाते हैं। पेड़ कौन से होते हैं, जैसे ओक का पेड़ हो गया, चेस्टनट का पेड़ हो गया, ये तरीके के पेड़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। देवदार, आपने सुना होगा देवदार होता है शायद हिंदी में, वो आपको मिल जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ वुड। देवदार का जो पेड़ होता है उसमें से वुड ली जाती है, तो जनरली वो पहाड़ों में वो पेड़ जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। बायोलॉजिकल, वेरी गुड, वेरी गुड, देयर इज अ बायोलॉजिकल वेदरिंग अकरिंग। चलिए, इसके बाद जो आपके पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न घाट का हिली एरिया, मतलब वेस्टर्न घाट के पहाड़ों पे विंध्या रेंज, विंध्या रेंज में एक हिल्स मैंने आपको कराई थी, उस हिल्स का नाम, उस हिल का नाम बताइए ज़रा, स्पेशल हिल थी, क्या नाम था उसका। और दूसरा ये भी बताइए, जो नीलगिरी हिल है वो कहाँ है, लोकेशन ऑफ द नीलगिरी हिल, वेयर इट इज, वेयर इट इज, बताइए जरा। टेम्परेट फॉरेस्ट अगर आप इसको मिलते हैं, तो आप इनको शोलास बोलते हो, जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं नीलगिरी में, जो आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे ना, उनको शोला बोलते हैं। अनाई मलाई पलानी हिल्स वगैरह में आपको जो ऐसे पेड़ मिलते हैं उनको शोलास के नाम से जानते हैं, फाइन। और ये सारे थोड़ा बहुत आप लोग याद रख लेना। सतपुरा और मेकाल की जो रेंजेस है वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाते हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ हर रेंज कहाँ कहाँ पे है। सतपुरा जो रेंज है एमपी के साउथ में आपको मिलती है, एमपी साउथ। मेकाल जो रेंज है वो एमपी के ईस्ट में आपको मिलती है।
पलानी जो हिल्स है वो यू विल बी फाउंड इन द तमिलनाडु साइड, अनायमला यू विल बी फाउंड इन द आंध्र प्रदेश, नीलगिरी यू विल बी फाउंड इन द तमिलनाडु विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए नीलगिरी बायोस रिजर्व, एंड हाँ विंध्या के अंदर जो एक हिल है दैट इज ऑफ कैमूर हिल्स फाउंडिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड द बिहार. नीलगिरी आई टोल्ड यू वेस्टर्न घाट आपको पता है 5 से 6 स्टेट के अंदर कैरी करता है. चलिए सो मॉन्टेन फॉरेस्ट का ये थोड़ा सा चीज़ है. कॉमन एनिमल्स कौन से मिलेंगे, जैसे कश्मीरी स्टैग है जो कश्मीर में मिलता है जनरली, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, शेगी हॉर्न और बियर वगैरह ये सब आप लोगों को मिल जाते हैं. हाँ यही तो आप लोगों ने गलती करी है, मैंने आपसे हिल पूछा था तो एग्जैक्ट लोकेशन हिल की तमिलनाडु थी. आप लोग पूरे फ्लो में चलते हो, सारा लिख कर आएंगे केरला तमिलनाडु कर्नाटक, है ना, सिर्फ तमिलनाडु जो तीनों में है वो बायोस रिजर्व है, सिर्फ हिल कहाँ पे है तमिलनाडु में है. चलिए लिटोरल और स्वैम फॉरेस्ट की बात करें तो वेटलैंड वाले जो क्षेत्र होते हैं, वेटलैंड का मतलब वो एरिया जहाँ पे मिट्टी भी है, जमीन भी है और पानी भी है, उस एरिया में मिलने वाले फॉरेस्ट को लिटोरल और स्वैम फॉरेस्ट या वेटलैंड के नाम से आप लोग जो है वो जानते हैं. ठीक है, अबाउट 70% ऑफ द कंप्राइजेज एरिया अंडर द पेडी कल्टिवेशन, जो धान की खेती होती है ना, चावल की खेती, धान या चावल एक ही होता है, धान की खेती होती है वो पानी में होती है बिकॉज राइस नीड द मोर वाटर. अच्छा एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया भाई. नहीं योगेश, नो 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 राजकुमार, इट्स तमिलनाडु. नो वेरी गुड योगेश एंड अंकित, दैट वॉज अ कैमूर हिल्स. लेट मी टेल यू, नहीं यू प्लीज टेल मी वेयर यू विल बी फाउंड, यू विल बी फाउंड मोर पैडी कल्टिवेशन, मोर पैडी कल्टिवेशन. आपको धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी इन क्षेत्रों में से? योर ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, सेकेंड वन इज हरियाणा, थर्ड वन इज हिमाचल प्रदेश एंड द लास्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश. इन चारों में से सबसे ज़्यादा धान की खेती आपको कहाँ पर मिलेगी? बताइए सभी. तो आंसर इज हरियाणा. रीजन, यहाँ पे पानी की कमी नहीं है बिकॉज यू नीड अ मोर वाटर एंड यू गेट अ मोर वाटर. ठीक है, आपको पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा है और उतना ही पानी आपको यहाँ पे जो है वो मिल भी जाता है, तो वो एक कारण है कि पैडी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा इनमें आपको हरियाणा में जो है वो मिल जाएगी. हिमाचल ड्यू टू द एल्टीट्यूड, अरुणाचल सेम विद एल्टीट्यूड रीज़न, यू विल नॉट बी फाउंड द मोर कल्टीवेशन एंड एमपी में मोर सनरेज आपको दिखाई देती हैं जिसकी वजह से आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगी. यू गॉट इट गाइस? ठीक है, वेरी गुड करीना, हाय राम कुमार, वेरी गुड अंकित, योगेश, विशाल, गुड वन. नहीं, यस आयुष, यस यस, वेरी गुड विशाल. इंडो गैंगेटिक जो प्लेन रीजन है, देयर यू विल बी फाउंड द मोर, नॉट मले. अरुणाचल में कारण है बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड नियर टू द हिमालय रीजन, सो देयर इज अ लो टेम्परेचर, सो देयर यू विल नॉट बी फाउंड. अच्छा, जो खरीफ क्रॉप है वो आपको लिव इट. लिटोरल स्वैम फॉरेस्ट पता चल गया कि मैंग्रोव वाले क्षेत्र में आपको ये मिलती है या फिर वेटलैंड वाले क्षेत्र में, एंड मेनली लिटोरल स्वैम फॉरेस्ट की जो मेन टू साइट है वो कौन सी है? एक है आपकी चिलिका लेक, दैट इज इन ओडिशा, जो कि एक रामसर वेटलैंड थी, अब नहीं है. कियोलादियो नेशनल पार्क भरतपुर, जो कि दो हैबिटेट है रामसर के अंदर जो है वो कनेक्टेड है. ठीक है, चिलिका लेक इज ऑल्सो अ रामसर वेटलैंड और नॉट? चिलिका लेक इज ऑल्सो अ रामसर वेटलैंड और नॉट? बताइए जरा.
इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत आप खुद से पढ़ लेना, जो डेक्कन प्लेट्यू में लगून एरिया होता है जहाँ पे जो पानी का थोड़ा सा कम भाव होता है उस क्षेत्र में भी आपको ये मिल जाते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ में आपको मिल जाएंगे, चिलिका लेक एक डेल्टा है, वेटलैंड है, वहाँ पर मिल जाते हैं, फ्रेश वाटर है। कश्मीर लद्दाख की लेक्स रिवर वगैरह में भी आपको इस तरीके की वेटलैंड जो है वो मिल जाते हैं। वेरी गुड। चलिए तो अब मेनली थोड़ा सा मैपिंग कर लीजिए, जो लिटोरल और जो स्वैम फॉरेस्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे डार्क ब्लैक एरिया है। माउंटेन फॉरेस्ट इस वाले एरिया में मिल जाएंगे, ये ऊपर अरुणाचल की तरफ ऊपर वाले सेक्शन में। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट क्योंकि सूखी जगह पे मिलेंगे, तो राजस्थान गुजरात हरियाणा वाला क्षेत्र और कहीं ना कहीं ये बीच वाला क्षेत्र आप इसमें कैरी करते हो। वेलकम कुलदीप। मॉन्ट्रियल में इसके अलावा डेसीडुअस थोड़े शुष्क वातावरण की, जैसे आपकी एमपी वाला ये वाला क्षेत्र जहाँ पे कम बारिश होती है, मॉनसून के दौरान अच्छी खासी हो जाती है बट नॉट ओवर द ईयर। और एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन आप लोगों को वेस्टर्न घाट की साइड और कुछ ईस्टर्न घाट की तरफ आप लोगों को मिल जाएंगे, चेरापूंजी की तरफ भी आपको ये मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ अपने सामने आती है, दैट इज़ अ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। फॉरेस्ट कितना कवर है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है और पीसीएस में जनरली आता रहता है। अभी तक की चीज़ें सबको क्लियर हैं, गिव मी अ थम्स अप गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो जो स्टेट रिकॉर्ड है उनके हिसाब से फिलहाल हमारे पास 23.28% पूरी कंट्री की जो लैंड एरिया है अकॉर्डिंगली उसके 23.28% हमारा फॉरेस्ट कवर है। बट हर सर्वे को, लेटेस्ट सर्वे को चेक करना जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्योंकि ये वेरी करता है, राइट। 24.56 है लेटेस्ट वन जो इस साल के अकॉर्डिंग है, सो दैट इज़ अ 24.561 है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो स्थान है वो 10th रैंक आता है, ठीक है, फॉरेस्टेड एरिया में, बट ओनली 120th इन टर्म इन द परसेंटेज ऑफ द लैंड एरिया अंडर द फॉरेस्ट में 120th पे हम लोग आ रहे हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर साल कंडक्टेड होता है, तो ये 2019 का कुछ डाटा है, अकॉर्डिंगली 24.56 है, बट थोड़ा जो भी रिसेंट है उसको चेक कर लेना, अपडेट कर लेना। मैंने देखा था बट मुझे मिला नहीं रिसेंट वाला, तो सर्वे करंट अफेयर में आता रहेगा, तो यू विल बी अपडेटेड अबाउट दैट। ठीक है, इसके बाद मेन सबसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, अरुणाचल में मिल रहा है इनमें अच्छा खासा। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो भी क्षेत्र है, जो भी स्टेट है, उस स्टेट के एरिया के अकॉर्डिंग उसमें कितना फॉरेस्ट आपको मिलता है, और उसको आपने सीक्वेंस में लगाना था, ये बताना था सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है। मान लीजिए एमपी का फॉरेस्ट एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसमें से कितना परसेंट फॉरेस्ट आपको है, और अरुणाचल प्रदेश में कितना टोटल उसका एरिया, और उसके अकॉर्डिंग कितना फॉरेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, तो यू विल बी अपडेटेड अबाउट दैट ऑल्सो। फिलहाल के लिए इतना याद रखना, एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको पेड़ जो है वो मिल जाते हैं, अरुणाचल में मिलते हैं कंपैरेटिवली, इसके बाद छत्तीसगढ़ में आपको बहुत से मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसके बाद कम, और असम में भी इसके बाद मिल रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस ज़रूर करना, जिस क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश हो रही है उसमें आपको अच्छे खासे पेड़ जो हैं या फॉरेस्ट एरिया जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी चीज़ आप लोगों को अवेयर रखनी है। इसके अलावा कुछ अलग से अपडेट लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप में अच्छी रेनफॉल ज़रूर होती है, दैट इज़ लोकेटेड इन द वे ऑफ द विंड्स कमिंग टूवर्ड्स द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की तरफ जो विंड्स आती है तो लक्षद्वीप की तरफ से होके आती है, बट देर इज नो प्रेसिपिटेशन अक्कर, वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज देर इज अ नॉट स्ट्रॉन्ग प्लेस टू अट्रैक्ट टू अटैक बाय द विंड्स, मतलब कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है जिससे विंड जो है अटैक करे और फिर वहीं पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए, लक्षद्वीप में नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से देर इज़ अ 0% फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो रही है जिसकी वजह से फॉरेस्ट भी आपको नहीं मिल रहे। गॉट इट?
यस ड्रीमर, चिलिका रेक को रामसार में से हटा दिया था 2002 में से, वो सिर्फ वेटलैंड है, रामसार में नहीं आती है। रीजन पता है आपको, क्योंकि उसकी कंडीशन सुधर गई थी, ठीक है, इसलिए रामसार में से उसको हटा दिया गया था। ये कितनी सिंपल सी चीज़ थी और आप लोग कहाँ घूम रहे हैं। वेलकम ऋषिकेश, गुड इवनिंग। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको कितने पेड़ पौधे मिल रहे हैं? 86.93%, मोस्ट ऑफ द स्टेट जिसमें 10% से भी कम फॉरेस्ट मिलता है। सो दे आर लाइंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि हरियाणा, पंजाब और आपका इधर राजस्थान वाला क्षेत्र, हिमाचल वाला क्षेत्र, वो वाले जो जगह है वहाँ पे 10% से भी कम आपको ट्रीज एरिया जो है वो दिखाई पड़ता है। ज़्यादा फॉरेस्ट पंजाब हरियाणा में क्लियर कर दिए जा चुके हैं फॉर द कल्टिवेशन, बिकॉज यू नो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कुछ कुछ एरिया हिमाचल का वेरी फेमस फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेमस है। अब ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सॉरी पॉपुलेशन वगैरह बढ़ने की वजह से कल्टीवेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो एग्रीकल्चर वगैरह के लिए जो वो जगह है, फॉरेस्ट है, उनको काटा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद पेनिनसुलर इंडिया में बात करें तो तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली, गोवा वगैरह के को छोड़ के बाकी क्षेत्र जो है वो 20-30% के बीच में आप लोगों को मिल जाता है। जम्मू कश्मीर में वेजिटेशन का, कल्टीवेशन का इतना काम कुछ नहीं है ना, वहाँ पे कहाँ आपको ज़्यादा इतनी एग्रीकल्चर मिलती है। हाई एरिया नहीं हो गया, हिली एरिया हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, सो वहाँ कहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर होगी। ठीक है, स्पेशल चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ऐसे हर चीज़ की नहीं होगी, जैसे एप्पल्स वगैरह होगी ना, स्पेशल चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट इसमें ही चीज़ में आपको मिलता है वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो वाइल्ड लाइफ आपको अलग अलग तरीके से मिलते हैं। फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ आप जनरली एनिमल्स के बारे में बात करते हो। दीज आर नॉट वे वाले एनिमल्स जो नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय द ह्यूमन, जस्ट आर द एनिमल्स फाउंडिंग इन द फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, जो फॉरेस्ट वगैरह में मिलेंगे बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, जंगली जो जीवन हो गया ना वो होते हैं। अच्छा, अब जंगली जीवन में हम आदिवासियों को भी शामिल कर लें, शैल वी इंक्लूड द आदिवासी ऑल्सो? ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ में आपको बायोलॉजिकल की डाइवर्सिटी मिलती है, यानी कि जीव जंतुओं में जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अब एनिमल सबके सोर्स ऑफ इनकम भी आपके आते हैं, फूड एंड क्लोथिंग के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, नॉनवेज वालों के लिए फूड और क्लोथिंग, आपको जैसे वूल वगैरह हो गई, उस चीज़ के लिए काम आते हैं। बहुत सारे रोडेंट्स होते हैं, स्कंक होते हैं, रैबिट्स होते हैं, डियर बर्ड्स, ये सारे होते हैं जो न्यूसेंस एनिमल्स के नाम से आप इसे जानते हो। वाइल्ड एनिमल्स और भी कुछ हम इनको देखते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने उसको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया, जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, मतलब चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स दोनों के बारे में, दोनों को कवर किया जाएगा, एंड जंगल में मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन दोनों को प्रोटेक्ट जो है वो इस एक्ट के तहत कर दिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या? अब देखो, संवैधानिक कोई प्रोविजन है क्या वाइल्ड लाइफ के बारे में? फर्स्टली यू मस्ट बी रिमेंबर गाइस कि वाइल्ड लाइफ के अंदर यू विल बी इंक्लूडेड द फ्लोरा एंड ऑल्सो द फोना, ऑल्सो आप इसको इंक्लूड करते हो, तो प्लीज बी रिमेंबर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोविडेंट, इसके ये प्रोविजंस वगैरह क्या है, तो ये सुन लीजिए। जब 42nd अमेंडमेंट आया 1976 का, तो फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन थी या जो बर्ड्स थे, उनको स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। फर्स्टली यू नीड टू अवेयर अबाउट ऑल द लिस्ट ऑल्सो। देखिए,
वी हैव थ्री काइंड ऑफ लिस्ट. वन ऑफ देम इज अ सेंट्रल लिस्ट, अनदर वन ऑफ देम इज अ स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड वन ऑफ देम इज अ कंकरेंट लिस्ट. ठीक है. टॉपिक विच आर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द सेंटर कम्स अंडर द सेंट्रल लिस्ट. टॉपिक्स विच आर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट. एंड टॉपिक्स और सब्जेक्ट विच हैव द अथॉरिटी बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट. बट द रिमेंबर ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी प्रीवेल एंड दिस ऑल लिस्ट आर कम्स अंडर द एट स्केड्यूल. गॉट इट गाइज. एट स्केड्यूल के अंदर ये चीज डल चुकी है. राइट. 42nd अमेंडमेंट 1976 जो अमेंडमेंट हुआ विच इज ऑल्सो नॉन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रॉम देयर फॉरेस्ट और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको स्टेट लिस्ट में से कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया गया. क्यों भेज दिया गया? ताकि ना तो सिर्फ स्टेट उस पर कानून बना सके, अगर ज़रूरत हो तो केंद्र सरकार भी उस पर कानून जो है वो बाकायदा बना सके. तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अख्तियार में जो अपनी जो जंगली जीवन है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सेफ रहें, उसके लिए कंकरेंट लिस्ट में उसको डाल दिया और स्टेट उसका मिसयूज़ ना करें. गॉट इट एवरीवन. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. इसके बाद ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है. दिस इज अवर अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो दैट कम्स अंडर द आर्टिकल 51A. अच्छा, एक और चीज़ याद रख लेना जो बिगिनर है नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर किसी भी आर्टिकल में आपको बाद में ए मिलता है सो बी रिमेंबर वो बाद में ऐड हुआ है, अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ओरिजिनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. तो ये चीज़ याद रख लेना. ठीक है. ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी एवरी सिटीजन की है. हाइक और चीज हर ड्यूटी हर सिटीजन की होती है, पर्सन की नहीं होती, क्योंकि बाहरी व्यक्ति अपने घर के काम जो होते हैं वो अपने घर के बंदे करते हैं, बाहर के आके थोड़ी कोई करता है ना. तो हर सिटीजन की होती है कि जो अपना नेचुरल एनवायरनमेंट है और फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ है उन सबको हम लोग प्रोटेक्ट करें. ठीक है. इट्स अवर ड्यूटी, इट्स नॉट द कंपल्शन, जस्ट अ ड्यूटी. सो एनी वन किड नॉट अ केस कुड नॉट अ फाइल अ केस ओवर अस टू नॉट फुलफिलिंग अवर ड्यूटी. ठीक है. हम इस पर कोई केस रेस नहीं कर सकते और ना ही कोर्ट में जाके खड़े हो सकते हैं बिकॉज इन्फोर्सेबल नहीं है. ठीक है. ये वाली चीज़ें हैं और यहाँ पे कन्फ्यूज कभी कभी हो जाता है DPSP से, सो बी अवेयर अबाउट दैट ऑल्सो. आर्टिकल 48A के अंदर लिखा गया है कि ये DPSP है, कि स्टेट को ये चीज़ प्रोटेक्ट करनी है. रिमेंबर DPSP के दौरान स्टेट को गाइडलाइंस दी गई हैं और ड्यूटीज़ के दौरान लोगों को बोला गया है भाई एंजॉय कर रहे हो राइट, तो थोड़े से काम भी कर लो, तो उस वजह से चीज़ें बोली गई हैं. तो चीज़ों को जितना क्रिटिकली एनालाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा. अब हम ये एक्ट जो है वो थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. एक एक चीज़ ध्यान से सुनना और करना. ठीक है. नोट्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ PDF पढ़नी है और क्लास सुननी है और कुछ नहीं करना. जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंदर आप प्लांट्स जो कि वाइल्ड होंगे विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय द ह्यूमंस, रिमेंबर प्लांट्स और जो एनिमल स्पीसीज होती है इनके प्रोटेक्शन की आप लोग बातें करते हो. अब ये पूरे देश में अवेलेबल है, यानी कि जम्मू कश्मीर भी इसके अंदर जो है वो शामिल हो गया है. प्रायर टू दिस लेजिस्लेशन इंडिया के पास 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क थे, लेकिन इस अब एक्ट आने के बाद वी हैव 101 नेशनल पार्क और लेटेस्ट डाटा तो और भी कुछ हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं नेशनल पार्क. चलिए, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इस एक्ट के अंदर आती हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी आती है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आ गया तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की अथॉरिटी इसके अंदर आती है. वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट केंद्र सरकार कर सकती है, सेम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है. और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के नाम से अपॉइंट करती है, जो कि सारे ध्यान जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रखती है. इसके कुछ फीचर्स देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कुछ स्केड्यूल्स दिए गए हैं, जैसे 1, 2, 4, 5, 6 वो सारे. UPSC ऑलरेडी हर स्केड्यूल के बारे में पूछ चुका है,
और इवन यहाँ से क्वेश्चन 3 साल आए हैं, 2 या 3 साल आए हैं पक्का. रिमेम्बर बहुत ज़रूरी है अब आगे जो आप करने वाले हो, ठीक है. ठीक है, अभी अगर आपने किसी भी एनिमल को वाइल्ड लाइफ की किसी भी स्केड्यूल में डाल दिया, मान लीजिए मैंने सेकंड स्केड्यूल में डाल दिया, तो यू कुड नॉट हंट दैट एनिमल. इफ़ यू डू दैट सो यू विल बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय एनी गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल और बाय द स्टेट, एनी गवर्नमेंट. ठीक है, पहली बात. दूसरी चीज, अगर आपको हंटिंग करनी है, अगर आपको किलिंग करनी है या फिर आपको ट्रांसफ़र करना है, यू नीड अ लाइसेंस फॉर दैट. ठीक है, कोई भी चीज़ है, सो यू नीड अ लाइसेंस फॉर दैट. अब बात आती है कि हर एक स्केड्यूल में हर एक चीज़ आपको अलग अलग मिलती है, सो लेट्स रीड वन बाय वन. एक्सेप्शन क्या है? ए वाइल्ड एनिमल लिस्टेड अंडर द स्केड्यूल कैन बी हंटेड किल्ड ओनली आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द चीफ वाइल्ड लाइफ गार्डन ऑफ द स्टेट. रिमेंबर ये वाली लाइन थोड़ा सा आपने याद जो है वो रखनी है. प्रोहिबिशन ऑफ द कटिंग अपरूटिंग स्पेसिफाइड प्लांट. कुछ प्लांट्स जो कि इसके अंदर कवर्ड हैं, आप उसको अपरूट नहीं कर सकते. अपरूट का मतलब जड़ से नहीं उखाड़ सकते, डैमेज नहीं कर सकते, कलेक्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, उन पेड़ों को आप काट नहीं सकते. यू विल बी पनिश डेफिनेटली. एक्सेप्शन क्या है? अगर आपने लाइसेंस ले लिया तो ऐसा हो सकता है. लाइसेंस आप किससे लेते हो? केंद्र से. हाँ देखो, क्वेश्चन में ना ये आ सकता है. अभी तक क्वेश्चन ये आया था कि अगर कोई स्पीसीज स्केड्यूल वन में है तो व्हाट डज इट इम्प्लाई. क्वेश्चन ये था स्केड्यूल सिक्स में है तो इसका मतलब क्या है. अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर कोई भी स्पीसीज प्लांट या एनिमल कोई भी स्केड्यूल टू में है एंड यू वॉन्ट्स टू हंट दैट स्पीसीज, आप उस स्पीसीज का हंट शिकार करना चाहते हो, सो यू नीड अ परमिशन. सो हु विल गिव यू द परमिशन, कौन आपको परमिशन देगा? तो ऑप्शन में आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन में आ जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ स्टेट वगैरह कुछ भी ऐसा, सी में आ जाएगा यूनेस्को, डी में एक आएगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन. वार्डन है, पता नहीं गार्डन है, जो भी है देख लेना. वो वाले जो चीज़ है ये जो है परमिशन आपको देगा. सो बी रिमेंबर. क्लियर है क्या सबको? ये क्लियर है? तो चीफ वाइल्ड लाइफ जो है वो इसके लिए परमिशन देता है. क्लियर? चलिए. डिक्लेरेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नेशनल पार्क, वो भी सब कहाँ पे होती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही आप किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हो. सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है किसी भी एक एरिया को सेंचुरी का दर्जा देना है तो केंद्र सरकार करती है. ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे जैसे इकोलॉजिकल, फौनल, फ्लोरा, जियोमॉर्फोलॉजिकल, ये सारे सिग्निफिकेंस होने चाहिए. आफ्टर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिक्लेयर दैट एरिया एज अ नेशनल पार्क और अ सेंचुरी एज नीडेड. ठीक है, केंद्र सरकार ने बहुत सारी बॉडीज भी बनाई हैं, जैसे कि नेशनल एंड स्टेट बोर्ड बना दिया ताकि वाइल्ड लाइफ की सेफ गार्ड हो सके, जू अथॉरिटी बना दी, आपने सुना भी है सेंट्रल जू अथॉरिटी, टाइगर की कंजर्वेशन के अलग से बना दिया NTCA, ऐसी तरीके की बना भी दी गई है. ओके, यू हंटेड जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो है या वाइल्ड एनिमल का जो मीट है, आइवरी है, इंपोर्ट हुई है इंडिया में, एंड एन आर्टिकल मेड फ्रॉम सच आइवरी शैल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. आइवरी हाथी का दांत, वाइल्ड एनिमल का मीट, कुछ भी अगर इंपोर्ट हुआ है सो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. अगर कोई लोग तस्करी कर रहे हैं इन सब चीज़ों की और गवर्नमेंट पकड़ लेती है तो वो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. ठीक है, लेकिन हंटेड वाइल्ड एनिमल जो शिकार करे जाते हैं, जंगली जानवर, वो बट अदर देन वर्मिन नहीं होने चाहिए उनके अलावा. अब एक बार क्वेश्चन UPSC में आया था कि मंकी इज अ वर्मिन एनिमल, तो बी अवेयर अबाउट दैट कि कौन से होते हैं कौन से नहीं, तो थोड़ा सा देख लेना. फाइन हर्ष, अभी करेंगे नेशनल वाले के ऊपर डिटेल में करेंगे.
everyone clear? So do like, share and subscribe the channel. Having any doubt, so let me know in the comment section. इसके बाद कौन कौन सी बॉडीज आती हैं, अगर सिर्फ वाइल्ड लाइफ की बात करते हो तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाई गई है. इसके जो चेयरमैन होते हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, मिनिस्ट्री एनवायरमेंट इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और इनकी जितनी भी बातें होती हैं वो सलाह के विषय में होती है, सलाह होती है, एडवाइजरी होती है, बाउंडिंग नहीं करते, बी रिमेंबर फॉर दैट. इसके साथ NBWL की एक स्टैंडिंग कमेटी है, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. स्टेट बोर्ड बना दिया ताकि राज्य के अंदर भी वाइल्ड लाइफ की कोई ना कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, उसके प्रोटेक्शन वगैरह के लिए. और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे. गॉट इट एवरीवन? सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करें तो वो अथॉरिटी जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं और जिसके अंदर चेयरपर्सन, सेक्रेटरी वगैरह, एनवायरमेंट जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे, और जू जितने भी हैं आपके नेचुरल है या फिर एंथ्रोपोजेनिक है वो सारे इस अथॉरिटी के तहत आपको देखने को मिल जाएंगे. इसके बाद NTCA आती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो टाइगर के कंजर्व के लिए जितनी भी चीज़ें आती हैं वो NTCA डिसाइड करेगा. ये चीज़ 2005 में बनाई गई थी ताकि हम टाइगर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकें. अब आप आफ्टर द क्लास एक चीज़ पढ़ोगे कि अपने इंडिया में जो टाइगर्स हैं वो कौन से टाइगर हैं, तो देर आर आर टाइप्स ऑफ द टाइगर ऑल्सो एंड फाउंडिंग वेयर, कौन सा टाइगर है अपने इंडिया में और वो क्या अपने इंडिया में ओरिजिनली है या फिर हमने कहीं से उसको इंपोर्ट किया है, और स्पेशली कहाँ पे है वो. तो तीन क्वेश्चन आप लोगों के पास हैं, टाइप, इंपोर्टेड और ओरिजिनली, और वेयर दे आर लोकेटेड, अभी वो कहाँ पे है. ठीक है, चलो अब हाँ एक और चीज़, किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकती है, वो भी चीज़ आप लोगों को याद में रखनी है. इसके साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से मतलब होता है कि अगर जंगली जो भी चीज़ है वाइल्ड लाइफ, अगर उसका क्राइम होता है, अगर उनको मारा जाता है या फिर पेड़ पौधों को काटा जाता है, तो उसके लिए भी एक ब्यूरो जो है वो बना दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे क्राइम डाटा बैंक बन गया, जैसे कि हिट एंड रन के केस में कुछ वैसा आता है या ब्लैक वर्क का कोई केस, वैसे सब चीज़ें जो होते हैं ना वो इसके अंदर शामिल कर दी जाती है. ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर फाउंडेड इन द सुंदरबन एरिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हर्ष, वेयर इज अ सुंदरबन डेल्टा, वेयर इज अ सुंदरबन डेल्टा. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एवरी स्केड्यूल, एवरी स्केड्यूल. तो हर स्केड्यूल के हिसाब से हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है, इफ़ वी इंक्लूड एनी स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विद इन द स्केड्यूल वन, सो दे मस्ट बी एंडेंजर्ड स्पीसीज, वो एंडेंजर्ड होनी चाहिए, यानी कि उसकी संख्या में गिरावट जो है वो आनी चाहिए, एंड दे नीड द राइगरस प्रोटेक्शन. ठीक है, पोचिंग, किलिंग या ट्रेडिंग वगैरह से इनको अच्छी वाली, बढ़िया वाली प्रोटेक्शन जो है वो आप लोगों को मिलनी चाहिए. क्लियर है इतनी बात? ए पर्सन इज़ लाइबल टू द हार्शेस्ट पेनालिटीज़, ये लाइन आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है. अगर कोई इसका शिकार करता है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया वाली पेनल्टी इसके अंदर जो है वो लगती है. स्पीसीज़ कौन कौन सी है इसमें है, कोई भी अगर पूरी इंडिया के अंदर प्रोहिबिट आप इसको कर ही नहीं सकते, तब तक वो ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट ना बन जाए. मान लो लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है, ठीक है भी वैसे ही आपके स्केड्यूल वन में डाला हुआ है, किसी इंसान के सामने आ जाए क्लाउडेड लेपर्ड और उसको खा, मतलब उसको के सामने आ जाए, अब वो अपने प्रोटेक्शन के लिए अगर उसमें फायरिंग करता है, सेल्फ डिफेंस के लिए उसमें फायरिंग करता है और वो मर जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट था इसीलिए उसको मारा गया. अगर आप अपने शौक के लिए उसकी हंट करते हो तो भैया पेनल्टी लगनी ही लगनी है. जो लेटेस्ट एडिशन है, करंट अफेयर में आते रहते हैं, स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मस्ट भी यहाँ पे रिवाइज करना है. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, दैट वॉज टू प्रोटेक्ट एंड द कंजर्व ऑल द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, वेदर इंक्लूडेड द प्लांट्स और एनिमल्स. चले,
स्केड्यूल वन में हाई प्रोटेक्शन होती है, बट स्केड्यूल वन से थोड़ी कम होगी, वैसे प्रोटेक्शन यहाँ पे भी अच्छी होती है. आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, उसकी लेन देन नहीं कर सकते हैं, एंड यू कैन नॉट हंट ऑल्सो, ह्यूमन लाइफ के लिए छोड़ के बाकी यू कुड नॉट हंट. एंड अगर किसी भी डिजीज से हो रहे हैं, और इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज डिसऑर्डर दैट गोज बियॉन्ड रिकवरी, यानी कि जैसे केरला में एक बार ट्रीज थे जिनमें कोई बीमारी फैल गई थी, कोई ना कोई डिजीज फैल गई थी, और वो डिजीज़ कुछ ऐसी थी कि पेड़ ख़त्म हो रहे थे और वो ह्यूमंस तक भी आ सकती थी. आई थिंक एक दो साल पहले की न्यूज़ है ये. वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर रही थी जिससे एनिमल्स भी सफ़र कर रहे थे एंड हो सकता था कि ह्यूमंस भी सफ़र करते. इसीलिए पेड़ों को काटना ज़रूरी हो गया था, बिकॉज वी कुड नॉट रिकवर, इसलिए पेड़ों को काटना ज़रूरी हो गया था. अगर कोई डिजीज़ वगैरह की बात है ना, तो तब भी हम उनको कट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए हिमालयन ब्लैक बियर जो लेटेस्ट हैं, आपको वो याद रखने हैं. स्केड्यूल 3-1 में प्रोटेक्शन होती है, बट 1 और 2 से कम. बट रिमेंबर, यहाँ पे स्पीसीज एंडेंजर्ड नहीं होती, कम खतरे वाली स्पीसीज होते हैं. जितना पीछे जाते जाओगे उतनी स्पीसीज कम खतरे में आती रहेंगी. यहाँ पे हंटिंग प्रोहिबिटेड होती है, बट पेनल्टी और वायलेशन वगैरह कम होती है. चीतल, हेना, नीलगाय वगैरह इसके अंदर आपको शामिल मिल जाएंगे. स्केड्यूल 5 में वो वाले एनिमल्स आते हैं विच आर कंसिडर्ड एज अ वर्मिंग स्मॉल वाइल्ड एनिमल, जो डिजीज कैरी करते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं प्लांट्स एंड फूड को. वर्मिंग का मतलब क्या होता है? छोटे जंगली जानवर जो किसी ना किसी डिजीज को स्प्रेड करते हैं, जैसे कि बैट. अभी था ना केरला में बैट थी, वो डिजीज स्प्रेड कर रही थी. जैसे अभी माइस का केस आ रहा था, रैट वगैरह का केस आ रहा था कि वो कर रही थी. फ्रूट बैट वाला आया था, नीपा वायरस, आई होप आई एम राइट, नीपा वायरस था, और रैट्स की वजह से भी अभी ये स्प्रेड हुआ था. तो वो एनिमल जो कोई ना कोई डिजीज स्प्रेड करते हो, वे स्केड्यूल 5 के अंदर कैरी करते हैं. क्लियर हो गया क्या? नहीं एवरीवन. स्केड्यूल 6 में डल गई तो कोई ना कोई स्पेसिफाइड प्लांट इसके अंदर आते हैं, और रिस्ट्रिक्शन है, एकदम से पेनल्टी नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाई जाएंगी. इसका सेल और ट्रांसपोर्टेशन आप नहीं कर सकते, एंड कल्टीवेशन आप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर के प्लांट का, कर सकते हो, बट लाइसेंस के साथ. यू नीड अ परमिशन फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. क्या क्या चीज़ इसमें आएंगी, जैसे कि बेडोमन साइकेड, ब्लू वैंडा, रेड वैंडा, स्लीपर ऑर्किड्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं. लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है अबाउट द बायसर रिजर्व. बायसर रिजर्व यू नो अबाउट इट. कोई भी एक ऐसा क्षेत्र, कोई भी एक ऐसा एरिया जो इंटरनेशनली डिज़ाइन है बाय द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इस नाम में ही चीज़ें बनी हुई हैं. देखो एक बार, कोई ना कोई वो चीज़ एजुकेशन के पर्पज़ से भी हो, रिसर्च वगैरह की, साइंस के पर्पज़ से भी हो, यू नीड अ समथिंग फॉर द रिसर्च, कल्चर के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जो यूनेस्को है वो उसके अकॉर्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है क्या ये? लार्ज लैंडस्केप एक्सटेंडिंग ओवर द लार्ज एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल हो, कोस्टल, मरीन इकोसिस्टम, या कम्बिनेशन हो सकते हैं. सिर्फ जमीन पे हो सकते हैं, पानी से मिले हुए ऐसा जगह जो है वो हो सकती है. बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमंस और नेचर दोनों के लिए ज़रूरी होता है, नीड्स को फुलफिल करता है, उसलिए उसको आप बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं. क्राइटेरिया क्या है इसके डेजिग्नेशन का? एक तो प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि आपको कोई भी स्पीसीज में रखी जा रही है, कोई भी स्पीसीज है तो वो हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं. यू कुड नॉट ट्रेड, यू कुड नॉट हंट दैट स्पीसीज. ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होती विद अ ह्यूमन इंटरफेरेंस, यू कुड नॉट डिस्टर्ब. बायोजियोग्राफिकल यूनिट के अंदर होती हैं और लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ट्राइबल वगैरह से प्रोटेक्शन भी आप लोगों को मिल जाती है. स्ट्रक्चर क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व का? एक आपको कोर मिलता है एरिया, एक बफर मिलता है, और लास्ट में आपको ट्रांजिशन एरिया मिलता है. तो कोर जो बिल्कुल सेंटर का, हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं. जो प्लांट्स एंडेमिक होते हैं विच कैन फाउंड ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो विल फाउंड इन द कोर एरिया. नेशनल पार्क हो गए जो स्पीसीज को प्रोटेक्ट के लिए होते हैं, सेंचुरी वगैरह आपको कोर एरिया में मिल जाती हैं. ठीक है,
सो ये थोड़ा बहुत एरिया रह गया अपना, इसको हम फिर क्लास में कवर करेंगे कल वाले सेशन में। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। बायस रिजर्व के फंक्शंस वगैरह भी अपने अभी के लिए रहते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास ही पूरी होने ही वाली है एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हमने काफ़ी कवर करी, तो एक बार क्लास को दोबारा ज़रूर देखना सो दैट यू विल बी अवेयर अबाउट द शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट शॉर्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनकी में आपको सबको अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाएंगी। नाउ डू लाइक द सेशन गाइस, शेयर इट विद योर लॉट्स ऑफ फ्रेंड, ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया करो। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो एंड मिलते हैं सेम टाइम पे 7 PM कल वाली क्लास में, ठीक है। टाइम पे आ जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन।